बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द अगली ट्रुथ। इस कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया से, जहां पर हमें एबी नाम की एक टीवी प्रोड्यूसर को दिखाया जाता है जो एक कुकिंग के शो को रन कर रही होती है, लेकिन उसकी टीआरपी बहुत कम है। इसीलिए एबी का बॉस उसे बुलाता है और कहता है कि अगर टीआरपी हाई नहीं हुई तो हम इस शो को बंद कर देंगे, जबकि उससे पुराने जो शोज होते हैं उन सब की टीआरपी हाई है और एबी के शो की टीआरपी बहुत कम है, इसीलिए वो टेंशन में आ जाती है। आज उसकी एक आदमी से डेट भी होती है पर वो वहां नहीं जाना चाहती। उसकी कॉलीग उसे समझाती है कि तुम्हें डेट पर जाना चाहिए, एबी के लिए प्यार ही सब कुछ है, वो सच्चे प्यार में विश्वास रखती है। एबी अब उस आदमी से मिलने के लिए जाती है जहां पर वो उसकी प्रोफाइल को चेक करती है और उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड में जो मुझे 10 चीजें चाहिए उनमें से 9 तुम पूरी करते हो, यानी कि वो 9 खूबियां तुम्हारे अंदर हैं। लेकिन उस आदमी को एबी बहुत अजीब लगती है, इसीलिए वहां से चला जाता है। इसके बाद एबी अपने घर आती है जहां पर वो टीवी पर एक शो देखती है और इस शो का नाम होता है द अगली ट्रुथ। इस शो का जो होस्ट होता है उसका नाम माइक है, जो लड़कियों के बारे में बता रहा होता है कि लड़कियां लड़कों को जानने के लिए डेट पर जाने के लिए कई सारी किताबें पढ़ती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। लड़के बहुत ही सिंपल होते हैं, बस लड़कियों को उन्हें वो चीज दे देनी चाहिए जो वो चाहते हैं, इसके बाद जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। यहाँ पर लोग माइक को शो में कॉल भी कर सकते हैं और तभी एक लड़की उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी सारी बातें फालतू हैं, मुझे किताबों से मेल्स को समझने में बहुत हेल्प मिली है। माइक पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। माइक कहता है क्योंकि तुम बुक्स के जरिए इंसानों को यानी कि मेल्स को समझने की कोशिश कर रही हो, इसीलिए तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सब देखकर एबी को बहुत गुस्सा आता है और वो भी माइक को कॉल करती है और बताती है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो सारे के सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, वो एक ऐसी जॉब करता है जिससे इंसानियत को लोगों को फायदा होता है, वो अपने काम में बहुत सक्सेसफुल है, उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसे वाइन पीना पसंद है, साथ ही वो अपनी फैमिली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक जाना पसंद करता है। माइक कहता है कि अमेरिका में ऐसा कोई भी लड़का नहीं हो सकता, अगर कोई ऐसा लड़का है और तुम उसे मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें $100 दूंगा। एबी कहती है कि शायद अभी मैं ऐसे लड़के को नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा लड़का कहीं ना कहीं जरूर होगा। वो कहता है कि ऐसा लड़का कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो इसीलिए तुम्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता, और इसके बाद वो फोन को कट कर देता है। एबी अगले दिन जब अपने ऑफिस जाती है तो उसका बॉस उसे बताता है कि हमने एक नए इंसान को एक नए एम्प्लॉय को हायर किया है जो हमारे शो की टीआरपी बहुत ऊपर तक ले जाएगा, और ये माइक होता है जिसे अब एबी के साथ काम करना है। हालांकि एबी उसके साथ काम नहीं करना चाहती, लेकिन उसके बॉस ने पहले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। वो एबी के साथ फ्लर्ट भी करता है जो एबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए एबी अपने ऑफिस में आ जाती है और स्पीच की तैयारी करना शुरू कर देती है। तभी उसके डोर को माइक नॉक करता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं करती, इसीलिए माइक अपने आप ही अंदर आ जाता है। और अब एबी जो पहले से उससे गुस्सा होती है वो एबी से बहुत रूडली बात करती है। एबी कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया, और तब वो बताती है कि कल रात को जिस लड़की ने तुम्हें कॉल किया था वो लड़की मैं ही थी। माइक एबी को पहचान जाता है कि शो में कॉल करने वाली लड़की एबी है जिसे उसने अगली कहा था। वो एबी से कहता है कि तुम तो एक सुंदर लड़की हो, और वैसे भी अगर मेरे शो को तुम देख रही थी इसका मतलब मेरे शो में कुछ ना कुछ बात तो थी। इसके बाद वहां से चला जाता है। एबी माइक को किसी भी तरह से इस शो से निकालना चाहती है, इसीलिए वो अपने एंकर से जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं वो कहते हैं कि तुम शो में माइक से ऐसे सवाल पूछना जिसके जवाब उसके पास ना हो। और अब शो शुरू हो जाता है। यहाँ ये माइक से पूछते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे शो को पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? माइक कहता है क्योंकि मैं सच कहता हूँ और सच हर एक इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए शादी करते हैं या फिर सोशल प्रेशर की वजह से। अब तुम दोनों को देख लो, शादी से पहले तुम्हारे बीच में बहुत प्यार था, लेकिन अब तुम्हारे बीच में प्यार नहीं है, और इसका कारण यह है कि तुम दोनों फिजिकली एक दूसरे से बहुत दूर हो, तुम्हें एक दूसरे के करीब आना चाहिए। और वो अपनी बातों से इन्हें कन्विंस्ड कर देता है, जो बात बाहर एबी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हालांकि वो शो बंद करवाना चाहती है, लेकिन उसका बॉस भी यहां पर होता है। वो कहता है कि शो को चलने दो। शो खत्म होने के बाद एबी पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाती है, उसे लगता है कि शो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जॉब चली जाएगी। और कुछ ही देर बाद उसके बॉस शो की टीआरपी लाते और उसे बताते हैं कि शो बहुत हिट था, तुम्हें माइक को खुश रखना होगा, तभी हम इस शो को कंटिन्यू कर सकते हैं।
वही माइक को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर के घर के पास रहता है। दरअसल उसकी सिस्टर के हस्बैंड नहीं है और उसका एक नेफ्यू भी है। माइक अपने परिवार से यानी कि अपने नेफ्यू और सिस्टर से बहुत प्यार करता है। वहीं एबी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होती है। वो देखती है कि उसकी बिल्ली घर से निकल कर एक पेड़ पर चढ़ गई है और वो उसे बचाने के लिए जब पेड़ के ऊपर चढ़ती है तो वो अपने नेबर को देखती है जो अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। इसका नाम है डॉक्टर कोलिन। उसे देखते ही वो पसंद कर लेती है और तभी वो स्लिप हो जाती है जिससे वो पेड़ से नीचे लटक जाती है। डॉक्टर कोलिन उसे देखकर उसे बचाने के लिए आते हैं। उसके पैर में इंजरी हो गई होती है इसीलिए वो उसके पैर में बैंडेज करते हैं। यहाँ पर एबी को कोलिन बहुत पसंद आता है क्योंकि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज वो सब चीजें होती हैं जो उसे अपने लाइफ पार्टनर में अपने प्यार में चाहिए। अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस जाती है माइक को देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। माइक से कहती है कि आज शो में कोई भी गलत हरकत मत करना। शो शुरू होने के बाद माइक सबको यानी कि ऑडियंस को बताता है कि लड़कियों को पिकनिक जाना रोमांटिक डेट पर जाना बहुत पसंद है पर लड़कों को ऐसा कुछ पसंद नहीं है। इसके बाद वो दूसरी जगह जाता है जहां पर दो लड़कियां बाथटब में बैठी होती है और वो बताता है कि लड़कों को ये पसंद है। इसके बाद वो बाथटब में चला जाता है जहां पर वो लड़कियों के साथ मस्ती करता है। एबी भी उसे गाइड करना शुरू कर देती है क्योंकि ये उसका काम है। हालांकि उसे बिल्कुल भी माइक पसंद नहीं होता ना ही उसका काम उसे पसंद है। अब इनके शो की रेटिंग बहुत हाई हो जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है जहां पर माइक और एबी एक साथ होते हैं। एबी माइक से कहती है कि तुम्हारी कपल्स के बारे में जो सोच है वो पूरी तरह से गलत है। मैं एक ऐसे लड़के से मिली जो बहुत अच्छा है। उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो मुझे अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए। माइक कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम डेट पर क्यों नहीं गए। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। इस बात से एबी को गुस्सा आता है और वो वहीं से डॉक्टर कोलिन को कॉल करती है और डायरेक्ट डेट पर चलने के लिए कहती है पर कोलिन उसे मना कर देता है। अब क्योंकि माइक भी वहां पर बैठकर सब कुछ सुन रहा होता है इसीलिए फोन को कट कर देता है और एबी से कहता है कि वो तुम्हें दोबारा कॉल करेगा लेकिन तुम उसका नहीं बल्कि किसी और लड़के का नाम लेना। एबी उसके कहने पर ऐसे ही करती है। इसके बाद माइक कहता है कि तुम उसे होल्ड पर रुकने के लिए कहो। एबी ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाती है और अब उसे कहता है कि अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। एबी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ माइक कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा और एबी उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो माइक के साथ काम करे। उसे अपने पे कॉन्फिडेंस होता है कि वो ये शर्त जीत जाएगी। अब कुछ देर तक उसे होल्ड में रखने के बाद माइक उसका फोन कट कर देता और एबी से कहता है कि अब वो पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में है। अब ये बाहर जाते हैं जहां पर माइक एबी को बताता है कि कभी भी उसे क्रिटिसाइज मत करना क्योंकि मेल्स कभी सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पाते। जब भी वो तुमसे कोई बात करे तो तुम उस पर हंसना। साथ तुम्हें अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना होगा क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं है। एबी को वो शॉपिंग करवाता है साथ ही उसे ये बताता है कि कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को कोलिन के साथ या किसी भी लड़के के साथ शेयर मत करना क्योंकि वो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते। हालांकि एबी को ऐसा लगता है कि लड़के यानी कि मेल जो होते हैं वो लड़कियों की प्रॉब्लम को सुनना चाहते हैं। माइक को पता होता है कि कोलिन आज उसे मिलने के लिए आएगा इसीलिए वो उसे वेल ड्रेस्ड करता है और कहता है कि उससे थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट भी करना और तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज से माइक छुप जाता है और बाहर होता है कोलिन जो कि एबी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। ये दोनों के दोनों डेट पर जाते हैं। माइक भी इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा होता है साथ ही वो एबी को गाइड कर रहा होता है कि उसे अब क्या करना है लेकिन कुछ ऐसी बातें वो कर देती है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी जो माइक उसे बोल रहा था और उसे ऐसा लगता है कि कोलिन को उसे बोलनी है। वो बात सुनकर कोलिन ऑकवर्ड फील करता है। माइक कहता है कि अब तुम्हें इसे रिकवर करना होगा कुछ सेक्सी करो। ये सुनकर एबी चौंक जाती है और ड्रिंक कोलिन की पैंट के ऊपर गिर जाता है जिसे वो साफ करने लगती है। यहाँ पर कैमरामैन आ जाता है और इन्हें देखकर वो कुछ और ही समझ लेता है। अभी दोनों डेट से घर वापस आते हैं। यहाँ पर एबी कोलिन से आज की गलती के लिए माफी मांगती है लेकिन कोलिन एबी की तरफ अब अट्रैक्टेड है। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं जिस वजह से एबी बहुत खुश होती है। माइक दूर से देख रहा होता है लेकिन पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगता। अब अगले दिन जब ये स्टूडियो में शो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तभी वहां पर माइक का नेफ्यू आता है जो माइक से कहता है कि मुझे एक लड़की प्रपोज कर रही है डेट पर जाने के लिए कह रही है मुझे क्या करना चाहिए। माइक कहता है कि तुम्हें डेट पर जाना चाहिए। दरअसल वो अपनी फैमिली के लिए बहुत केयरिंग है। ये देखकर एबी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने माइक की साइड कभी नहीं देखी थी। अब कोलिन एक बार फिर से उसे डेट पर चलने के लिए कहता है और रात को जब वो डेट पर चलने के लिए तैयार होती है तभी वहां पर माइक और उसका बॉस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर से आज हमारी मीटिंग है हमने तुम्हें मेल भी किया था लेकिन शायद तुमने मेल चेक नहीं किया।
वो बताती है कि कोलिन के साथ मेरी डेट है और ये अपने साथ कोलिन को भी ले जाते हैं। अब धीरे धीरे एबी की और कोलिन के बीच में केमिस्ट्री अच्छी होना शुरू हो जाती है, लेकिन माइक ने उसे उसके साथ इंटीमेट होने से मना किया होता है। उसने कहा होता है कि जब तक तुम अपने आप को रोक सकती हो तुम्हें अपने आप को रोकना होगा। हालांकि ये दोनों के दोनों अच्छे से रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एबी पूरी तरह से उसके साथ नेचुरल नहीं होती। वो उसे हमेशा एक परफेक्ट लड़की बनकर दिखा रही होती है। वहीं अब एक दूसरे शो से माइक को बहुत बड़ी ऑफर आती है। एबी का बॉस एबी को बुलाता और कहता है कि अगर माइक ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो हमारा शो छोड़ देगा, जिसके बाद ये शो बंद हो जाएगा। तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा कि कम से कम 3 साल तक वो इस शो को कंटिन्यू करे। हालांकि एबी को कोलिन के साथ डेट पर लॉस एंजलिस जाना था, जहां पर वो पहली बार इंटीमेट करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन बॉस के कहने पर अब उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है और माइक के साथ वो उस शो के लिए निकल पड़ती है जहां पर आज उसका टॉक शो है, जहां पर उसे दूसरी जॉब के लिए ऑफर भी दिया जा सकता है। वे दोनों के दोनों जब उस टॉक शो की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में माइक एबी से कहता है कि तुम अभी तक कोलिन के साथ नेचुरल नहीं हो, मैंने जो तुम्हें बताया इस वजह से वो तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम उसे अपने असली नेचर के साथ मिलो तो वो तुम्हें कभी शायद डेट ना करे। और ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि हमेशा वो उसके साथ प्रिटेंड ही कर रही थी, वो कोलिन के साथ कभी नेचुरल नहीं थी। और अब टॉक शो से पहले एबी माइक से कहती है कि तुम बहुत अच्छा करोगे, ये बात उसे बहुत अच्छी लगती है। टॉक शो में सबको माइक बहुत हंसाता है। दरअसल माइक की बातें कड़वी होती है लेकिन सच होती है। और अब होस्ट उससे पूछता है कि मुझे उस लड़की का नाम बताओ जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। माइक उसे इसका जवाब नहीं देता। अब शो खत्म होने के बाद जब वो एबी के साथ होता है तो एबी उससे पूछती है कि मैं उस लड़की का नाम जानना चाहती हूँ जिसने तुम्हें हर्ट किया, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा। वो कहता है कि कोई भी ऐसी एक लड़की नहीं थी, मैंने जितनी भी लड़कियों को डेट किया मैं उनमें एक परफेक्ट लड़की ढूंढ रहा था, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि परफेक्ट नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता, हम सब में कमियां हैं। इसके बाद ये डांस करने लगते हैं। ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हैं, इसीलिए करीब आने लगते हैं। पर इससे पहले कि कुछ हो पाता ये दोनों अलग हो जाते हैं। पर जब ये लिफ्ट में होते हैं तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं, जो इन दोनों को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एबी अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन वो माइक के पास जाना चाहती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है बाहर कोलिन होता है। दरअसल कोलिन बिना उसे बताए यहाँ पर आ गया होता है। वो कोलिन को अंदर बुलाती है। वही हमें माइक को दिखाया जाता है जो इस बात से परेशान होता है कि उसे वापस जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो भी अब एबी से प्यार करता है, उसे मिस कर रहा होता है। वो वापस उसके कमरे में आता है और जब वो नॉक करता है तो अंदर से कोलिन निकलता है, जिसने शर्ट नहीं पहनी होती। दरअसल उसकी शर्ट पर ड्रिंक गिर गया होता है। माइक को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एबी से प्यार करता है। वो कहता है कि मैं फ्लाइट के बारे में बताने के लिए आया था, और वहां से जाने लगता है। तभी एबी उसके पीछे आती है और कहती है, क्या मुझे कोलिन को जाने के लिए कहना चाहिए? माइक कहता है कि तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एबी अपने कमरे में आती है, जहां पर वो कोलिन से पूछती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। कोलिन कहता है, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम कभी मुझे कंट्रोल नहीं करती, जबकि बाकी लड़कियां दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। एबी कहती कि मैं बिल्कुल उन्हीं लड़कियों की तरह हूं, मैं हमेशा तुम्हें कंट्रोल करना चाहती हूं, क्योंकि ये मेरे नेचर में है। मैं तुम्हारे साथ प्रिटेंड कर रही थी, इवन जो तुम अभी बात कर रहे थे इसमें मुझे कई सारी खामियां दिखी। ये सुनने के बाद कोलिन वहां से चला जाता है। अगले दिन एबी जब ऑफिस आती है तो उसका बॉस कहता है कि तुमने ऐसा माइक से क्या कह दिया कि वो हमारी जॉब छोड़कर दूसरे चैनल में चला गया। इस बात से एबी को भी गुस्सा आता है। वो कहती है कि हमें अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इनके टीवी स्टेशन को हॉट एयर बलून फेस्टिवल में जाना होता है, जहां से लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। यहां पर जो नया एंकर होता है, जिसे यहां माइक की जगह लाया गया है, बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है, इसीलिए एबी उसे हटाकर खुद एंकरिंग करना शुरू कर देती है। वो बताती है कि माइक की जगह आज मैं एंकरिंग करूंगी, क्योंकि जो मैन होते हैं बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल होते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो हमेशा अपने प्रॉमिसेस को तोड़ देते हैं और कमिटमेंट से भी हमेशा भागते हैं। माइक भी इसी फेस्टिवल को कवर करने के लिए आया होता है, और जब वो एबी की बातें सुनता है तो वो अपना शो छोड़कर उस जगह चला जाता है जहां पर एबी होती है। एबी से माइक छीनकर वो कहता है कि लड़कियां हमेशा अपनी डिमांड पूरा करने वाला एक लड़का चाहती हैं जो उनकी हमेशा डिमांड्स को पूरा करता रहे, उन्हें प्यार नहीं बल्कि डिमांड करने वाला इंसान चाहिए। अब इन दोनों के बीच में लाइव आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाती जो सब देख रहे होते हैं। इनका बलून फ्लाई होना शुरू हो जाता है। एबी माइक से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह निकले। जब फाइनल डिसीजन का वक्त आया तो तुम पीछे हट गए। माइक कहता है कि मैं पीछे नहीं हटा, हालांकि तुम एक साइको हो, लेकिन अब भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है कि मैं साइको नहीं हूँ। माइक कहता है कि अभी अभी मैंने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। वो पूछती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो। माइक कहता है कि मुझे नहीं पता, हालांकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं,
लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें मिस करता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और अब हालांकि ये दोनों लड़ झगड़ रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच इन दोनों को एहसास हो चुका है कि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एवी अब उसे अपने गले से लगा लेती है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। ये दोनों के दोनों रिलेशनशिप में है। हालांकि आगे भी ये एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी परफेक्ट कपल नहीं होता। किसी भी इंसान के अंदर तुम वो सारी खूबियां नहीं ढूंढ सकते जो तुम्हें चाहिए। हमें हर एक इंसान को अपने प्यार को उसकी खामियों के साथ ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, और यही जिंदगी, यही प्यार है। इसी के साथ ये फिल्म द अगली ट्रूथ यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।